आज बहुत ही सुहाना दिन है ना मेरे दोस्त? मुबारक हो मेरी खुराक बनने के लिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। लगता है शैतानी करना बंद नहीं करोगे, इतनी वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरे तुम। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। आराम से मेरे दोस्त, जरा शांति से बात को सुलझाते हैं। बंदरों को मेरे हवाले कर दो, वो मेरे हैं। चेंज तो कभी नहीं करूंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरी बात मान जाते तो अच्छा होता, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या हो रहा है वहाँ? जल्दी चलो, बहुत से काम करने हैं। हाँ, नहीं मैं आता हूँ अभी, टेंशन मत लो तुम। हाँ, हम बस थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे टाइम पास के लिए। क्या? चलो, अच्छा हुआ कि एक सपना था। आज तुम सब रॉकेट लॉन्च होते हुए देखोगे, जो जाएगा मून तक, उसमें होगा जंगल का पहला स्पेस ट्रैवलर, तुम्हारा अपना ऑस्कर। क्या ऑस्कर? मिक अंकल, गुड मॉर्निंग। क्या आप रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो मैं भी नहीं जाना चाहिए, बहुत देखने लायक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो चला। क्या मुसीबत है? क्या हाल चाल है बिग मैक? रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हो कि नहीं? नहीं ह्यूस्टन, बकवास चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन है। ये बकवास नहीं है, तुम्हारा दोस्त ऑस्कर मून पर जा रहा है। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझ गया, नहीं पूछूंगा मैं तुम्हें।
पक्का नहीं आओगे क्या? नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? चिल्लाने की जरूरत ही क्या थी? कभी तो इज्जत से बात कर लिया करो। शांति। ये क्या है? कौन है वहाँ? मैं हूँ यहाँ। और ये यहाँ है कहाँ? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मीट, ये तुम हो हाँ? मैंने सुना है आज एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है जो जाएगा मून तक। वैसे तो मैं अंधा हूँ लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कुछ भी, तुम्हें सच में लग रहा है कि वो फ्लाइट से जा रहा है? क्या, काइट? नहीं नहीं, वो काइट से नहीं जा रहा, रॉकेट से जा रहा है। मुझे परवाह नहीं कि वो रॉकेट से जाए या रॉकेट से, क्योंकि मैं नहीं जा रहा। क्या, आ रहा हूँ? अरे आना नहीं, जाना है। मैं तुम्हारे दोस्त ऑस्कर की बात कर रहा हूँ जो जा रहा है मून पर। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, समझ गए स्टीवी? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मुझे खुशी है तुम आ रहे हो, तो मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। तो मिलते हैं लॉन्च पैड पर। ओह, ये रास्ता कहाँ चला गया? मेरे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। मून अब ज्यादा दूर नहीं है, और तुम्हें पता है क्या, ये मेरे लिए एक छोटा सा कदम है। मैं सारे जहां में जानवरों का नाम रोशन कर दूंगा। यारो, तुम में से किसी ने मिक-मिक को देखा है? उसने कहा वो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं। छोड़ो, जो नहीं आया उसका नुकसान है, मैं तो जाकर ही रहूंगा, उसे साबित करके दिखाऊंगा, मेरा मतलब उनको, मेरा मतलब सभी को। देखने को तैयार हो? तो मैं उड़ने को तैयार हूँ। ओ तेरी है, मैं पेट्रोल भरना भूल गया। होता है। Come on! और ये मैं चला। एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या कहा? तुम जा रहे हो घूमने? नहीं नहीं, रॉकेट में तो अकेला ऑस्कर घूमने गया है। अलविदा ऑस्कर। गुड बाय दोस्त। तुम्हारा सफर अच्छा रहे। मेरी प्यारी मक्खियाँ। हम्म,
यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ से निकलना अभी के अभी। हाँ, और अभी के अभी। मेरे कान संभल के। आवाज सुन रहे हो? पेरिस के मौसम का क्या हाल है? ठीक ही है, आसमान साफ है लेकिन बारिश होने की संभावना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुंबई में आराम से उतर पाऊँ और कोई प्लेन ना टकराए। बकवास बंद करो दोस्तों, बहुत काम करने हैं आज। सभी को गुड लक। दोस्तों ये तो काल है। यकीन नहीं हो रहा कि इसे फिर से काम दे दिया। लगता है कंपनी ने आखिरी मौका दिया होगा। एक गलती और इसकी छुट्टी। इस बार कौन से जानवर की डिलीवरी कर रहे हो काल? इसे तो बेबी पांडा मिला है। बढ़िया है। इस बार गड़बड़ मत कर देना। पिछली बार तुमने घोड़ों को बेबी ज़ेब्रा डिलीवर कर दिया था। बेबी पांडा को पैर के पास मत ले जाना। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है बेबी, सब कंट्रोल में है मेरे। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ये बेबी किसको देना था, पैंडास या बेयर्स? हाँ याद आया, ये बेयर्स को ही देना था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमसे एक बात कहूँ ऑस्कर, जाओ फूटो, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नाराज। कौन नाराज है? मैं नाराज हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ। दिल से माफी मांगता हूँ पर इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने ही मधुमक्खियों के छत्ते गलत ऑर्डर में लगाए थे इसलिए वो नीचे गिर गए। तुम्हें उन्हें बस सही तरीके से सेट करना चाहिए था, ऐसा करते तो आसमान से एक डजन खरगोश भी नीचे गिरते तो भी इसे तोड़ नहीं पाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सबको क्यों बताते फिरते हो कि हम दोस्त हैं? हम दोस्त नहीं है ऑस्कर, तुम एक ऐसे लूजर हो जो जब देखो तब मुसीबत में पड़ते रहता है। तुम जो कुछ भी करते रहते हो उससे हमेशा मुझे नुकसान ही हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कहते थे रॉकेट कभी नहीं उड़ेगा पर वो तो उड़ा। तुम्हारा बकवास रॉकेट इतने अच्छे से उड़ा कि उसने मेरी फेवरेट बोट की चटनी बना दी, मेरी सारी मधुमक्खियों के छत्ते बर्बाद हुए और मुझे लगभग मार ही दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।
अच्छा, याद है तुमने नदी में पानी भरना चाहा था और मेरे घर में बाढ़ आ गई थी। पर मुझे तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पाल ली थी। फिर तुमने मेरे गार्डन में छेद करना चाहा ताकि ऑयल निकाल सको, याद है कि भूल गए? और क्या हुआ, ऑयल की जगह गर्म पानी का फवारा निकला और फिर उसी जगह एक दुंदुर नारियल का पेड़ उग गया है ना। लेकिन मुझे नारियल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो, कुछ सुनाई नहीं दिया, तुमने जो कहा फिर से कहो ना। हाँ, मैंने कहा यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम शायद सही थे, माँ कसम पहले जैसा अब नहीं होगा। मैंने कुछ सोचा है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ फसल काटने में, मक्खियों को वापस लाने में। मक्खियों को छोड़ो, मैं खुद शहद बना लूंगा, मक्खियाँ किसे चाहिए। बिल्कुल नहीं, घर जाओ। बात यह है कि मेरे घर के चिथड़े उड़ गए, मेरा घर तो राख हो चुका है, मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? बोलो। तो इसीलिए तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो, हमारी जोड़ी एक नंबर है, सबसे बेस्ट है। मेरी जैसे सुपर रैबिट को तुम्हारी जैसे सुपर बेयर की जरूरत है। हम साथ मिलेंगे तो लगेंगे बैटमैन और रॉबिन, जैसे जय और वीरू, बंटी और बबली। नहीं नहीं, बबली तो लड़की थी ना, जैसे 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 मुन्ना और सर के। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ मुन्ना और सर के नहीं बनना। अच्छा, तो जय और वीरू कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक झटके में मशहूर हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे फैंस होंगे, लोग हमारा ऑटोग्राफ लेंगे, हम दोनों दुनिया घूमेंगे, खूब धमाल करेंगे। ओह, बस क्या, एक मौका तो दो। बेबी पैंडा, मिक मिक, ये तुमने क्यों ऑर्डर किया? मैंने तो नहीं किया। नहीं 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 नहीं, सर दर्द कर रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं, ऑस्कर कुछ तो करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बच्चे के रोने से मैं चिढ़ जाता हूँ, मेरा दिमाग हट जाता है। ऐसे बस भूख लगी है, मैंने सुना है बच्चे तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। सच में? तो ये खाता क्या है? सभी बच्चे दूध पीते हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ शायद। पर दूध मिलेगा कहाँ? समझ गया। मिक मिक, कैसा रहेगा अगर हम इस बच्चे को रख ले तो? ये बहुत क्यूट है, तुम बन सकते हो इसके पापा और मैं बन सकता हूँ। बस आगे कुछ मत कहना, मुझे अपनी रेगुलर लाइफ वापस चाहिए और ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। मेरे घर में एक बेबी पांडा है, इसे तुरंत अपने पेरेंट्स के पास ले जाओ, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। सच में? हमें क्या करना चाहिए? हमें? ये किसने कह दिया कि हम जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये सच में एक बेबी पांडा है। पांडा तो दूर चाइना के जंगलों में रहते हैं। ये तो बहुत लंबी ट्रिप लगती है, पर अगर मैं इस नदी के रास्ते जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। नदी के रास्ते? कर तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा उनके साथ जाने के लिए। कम ऑन, सोचो सोचो, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो। मिक मिक, तुम्हें यकीन है कोई मदद नहीं चाहिए? तुमसे नहीं, मैं तुम्हारा पहला दोस्त बन सकता हूँ। दफा हो जाओ। रुको, मैं सामान उठाने में मदद करूँगा।
ये बहुत ही वजनदार है। निकल जाओ यहाँ से। हार मत मानो ऑस्कर, कोई तो रास्ता होगा। दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो जल्दी, सोचो जल्दी। मेक मेक प्लीज, तुम्हें साथ ले जाना होगा, हम दोनों की दोस्ती के खातिर प्लीज ले चलो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा। तुम्हारे साथ मैं 1 किलोमीटर नहीं जा सकता, और हम दोस्त नहीं है, समझो ऑस्कर। गुड बाय और गुड लक। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं। और हाँ, तुम्हें पता है ऑस्कर, मैं वापस आऊं उससे पहले मेरी मधुमक्खी के छत्ते बना लेना। 1 नंबर का खड़ूस। मेक मेक, तुम सच में मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो क्या? जन्नत जैसा लग रहा है, अच्छा है कि वो ऑस्कर यहाँ नहीं है। टेंशन ना लो और खुश रहो। आने वाला है। तुम आ ही गए ऑस्कर। हाय, मिक मिक, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चाय पी लूँ साथ में बैठ के, कैसा लगा? तो हेलो और गुड बाय। या शायद मैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ। नहीं और कभी नहीं, अभी निकल जाओ। नहीं, फिर से नहीं। बच्चा सच्चा है, बच्चा सच्चा है, सच्चा मन का बच्चा, बच्चा सच्चा है, सच्चा मन का बच्चा, बच्चा 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 बच्चा। ठीक है, तुम रुक सकते हो, चा चा चा, और रुक गए हो तो काम भी आना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं, तुम चुप रहो, समझे? और तुम भी। टर 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 टर, क्या आया बकवास गाना है?